हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही अमेजिंग रेमेडी जो आपकी स्किन को हेल्दी एंड क्लियर बनाएगी, साथ ही साथ आपके स्कार्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी और आपकी स्किन को नरिश करेगी और साथ ही साथ आपको एक परफेक्ट एंड ग्लोइंग स्किन भी देगी। साथ ही साथ ये फेस क्रीम आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी और आपकी स्किन से एक्ने, पिंपल्स और उनके स्कार्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगी। ये फेयरनेस क्रीम बहुत ही असरदार है आपके चेहरे को गोरा और निखरा बनाने के लिए। इस फेयरनेस क्रीम की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब, यानी कि रोज़ पेटल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुलाब के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी स्किन को फेयर, ग्लोइंग और रेडियंट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये फेस क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाने के लिए और सिर्फ इसके एक वीक के इस्तेमाल से ही आपको आपकी स्किन पे फर्क दिखाई देने लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस फेस क्रीम को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए गुलाब की पत्तियाँ, जिसे मैंने यहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डाल के लिए छोड़ दिया था। और उसके साथ हमें लेना है एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई की कैप्सूल। तो चलिए इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड करूँगी। आपको ध्यान देना कि आपको ज़्यादा रोज़ वाटर ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो क्रीम की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ही पतली हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई की कैप्सूल। अब हमें यहाँ पे लेना है 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन और इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये एक क्रीम फॉर्म में आपको ना मिल जाए। आपको इसे प्रॉपरली मिक्स करते रहना है धीरे धीरे हाथों से। ये आप देख सकते हो, ये धीरे धीरे ब्लेंड करते करते क्रीमी टेक्सचर में होने लगा है। आपको बहुत ही अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है मीडियम रखना है आपको। और ध्यान देना है कि ये क्रीमी और फ्लफी होना चाहिए, बिल्कुल आपकी क्रीम की तरह। तो हमारा ये होममेड फेयरनेस क्रीम रेडी है और ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो हमारा ये स्किन वाइटनिंग रोज़ क्रीम बनके रेडी है। ये स्किन वाइटनिंग रोज़ क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडिएंट बनाती है। और अगर आप इस क्रीम को डेली कुछ दिन तक यूज़ करते हो तो ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरह के दाग, धब्बे, पिंपल्स के निशान जो रह गए हैं उन सबको जड़ से ख़त्म करता है। तो इस फेस क्रीम को आप 15 से 20 दिनों के लिए फ्रिज में रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके आपको सुबह में और रात में सोने से पहले आपको 2 टाइम इसे यूज़ करना है अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो। और अच्छे से 5 मिनट के लिए अपने फेस को हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और आप देखोगे कि सिर्फ इसके एक वीक के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, रेडियंट और ब्यूटीफुल हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही बहुत सारी इजी एंड इफ़ेक्टिव होममेड रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे।